positive and energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. जिसकी वजह से मुझे पीछे तक दिख नहीं रहा है, तो आप एक बार चेक करके बताएंगे पूरा स्टेडियम खाली पड़ा है क्या? तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं थोड़ी और एनर्जी के साथ में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब कुछ मजा आया, अब लग रहा है कि इस सेशन का नाम अनस्टॉपेबल है। ओके, अब बात करते हैं मेरी। मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं? देखो, बहुत सिंपल है। अपने हर सेशन से पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, और जब माइंड पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाता है, जब माइंड में कोई थॉट्स नहीं होते, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और मुझे किसी तरीके से पता चल जाए कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, तो मैं आज क्या करूंगा? ये मेरा क्वेश्चन होता है, और उसके सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं मेरे पास में, दो जवाब होते हैं, और मैं दूसरे ऑप्शन को चुनता हूं। पहला ऑप्शन कि कल जो होने वाला है उसको सोच सोच करके मैं रोता रहूं और परेशान हो जाऊं। दूसरा ऑप्शन कि जो मेरे पास कुछ घंटे बचे हुए हैं ना, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं, बढ़िया नींद आए। और इसीलिए आज यहां पर जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी, वो मेरे लिए सिर्फ एक सेशन नहीं है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा मैं बोल क्या रहा हूं। जैसे जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि इस सेशन की शुरुआत कहां से हुई, कि मुझे इंस्पिरेशन कहां से मिली ये सेशन करने की। आज से 3 महीने पहले मेरे नाम से एक कुरियर आया ऑफिस में, और उस एनवलप पे लिखा हुआ था द फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार ऑफ संदीप महेश्वरी। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा किसी ने मजाक किया है, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद था कि जो मेरा फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार हुआ था वहां पे सिर्फ 20-25 लोग बैठे हुए थे एक छोटे से कमरे में, और किसी के हाथ में कोई कैमरा नहीं था। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही किसी ने वो किया, लेकिन फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया, और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखनी शुरू करी तो मेरे तोते उड़ गए। मैंने कहा यार, मतलब था मैं ही स्क्रीन के ऊपर, लेकिन लग मुझे ऐसा रहा था जैसे मैं किसी और को देख रहा हूं। और देखता रहा, जैसे ही वो वीडियो खत्म हुई उसी टाइम मैंने ये ठान लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ के इतने बड़े फेलियर को मैं अपने तक नहीं रखने वाला, इसको शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ। और आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब मैं पुणे के एक एमबीए कॉलेज में गया था और वहां जाकर के ब्लैंक हो गया था, याद है? कितने लोगों को याद है? याद है। तो तब मैंने आपको बताया तो था लेकिन दिखाया नहीं था, क्योंकि मेरे पास में कुछ था ही नहीं आपको दिखाने के लिए, कोई वीडियो नहीं थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली तब क्या हुआ था। Good afternoon, everybody. Just call me Sandeep, don't call me sir. And just a few confessions before I start off this session. The first one is, please don't look at me like this with all these frowning faces, because that makes me nervous. And to be honest with you, this is the first time that I am speaking in front of so many people. And second thing is, I'll be not talking about the theory part of it. I'll actually focus more on the practical side of how I did whatever I did. Okay, the second confession, which I forgot, that is, to be honest with you, I can speak in English, but the problem is, you may understand what I am talking about, but I won't be able to understand what I am talking about. So it's better if I talk in Hindi. So.
then coming on to the point directly, the secret of what I feel is of my success. I started my career, I think, at the age of 13, and okay, so I'll come on Hindi. So I'm sorry. So yeah, I'll do it. The images were there. So I think it's not that big a deal. देखा मेरी क्या हालत हुई थी. आई थिंक सबका यही हाल होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, इतने सारे लोग सामने बैठे होते हैं, सबका यही होता है. तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, सिर्फ एक, कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं अपना इतना बड़ा मजाक उड़वाने के बाद भी बाज नहीं आया, और क्या वजह है कि मैं वहां से यहां तक आ गया. लेकिन मुझे ना इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं मिल रहा था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके पीछे वजह क्या है. और फिर फाइनली एक दिन वो वजह समझ आई. मैंने एक कहानी पढ़ी कहीं पर, और उस कहानी के जब मैं अंदर तक गया तो मेरे को समझ आया कि हाँ, ये वजह है. ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे. उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे. दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते, नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए, और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था. अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए. और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी. उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको. उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा. खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे से बच्चे ने, 6 साल के, और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था. खींचता रहा, और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया. अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है. लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था. डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई. लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गांव वालों ने. और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके. तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है. लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया. उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक. और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं. और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उनको हंसी आ गई. वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया. बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया. तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं. तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे. फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है. और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था,
उस बच्चे को यह बताने वाला कि तू यह नहीं कर सकता। उन्हें कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, अगर आपको भी उस बच्चे की तरह किसी की आवाज सुनाई ना दे जो आवाजें आपको रोकती है, ना किसी और की ना अपनी, तो क्या होगा? मजा आ जाएगा, राइट? उस बच्चे की तरह आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा, यू विल बी अनस्टॉपेबल, राइट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? थियोरेटिकली तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ यस बोलने से काम नहीं चलने वाला। ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है, ये जो अनस्टॉपेबल बनने वाला काम है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। दो दीवारें, पहली बनी है दूसरों की आवाज की, कि आपके ऊपर दूसरों की आवाजों का असर होना बंद हो जाए, और दूसरी आपकी खुद की आवाज। ये ज्यादा बड़ी दीवार है। तो आप देखते हैं कि इस पहली दीवार को कैसे तोड़ना है। उस कहानी में उस बच्चे के आसपास में कोई नहीं था उसको रोकने वाला, लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? यस और नो? नो। क्या होता है कि हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको यह काम करना है, और सामने से चार लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। चार लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि यह नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है, जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है, और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है, किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी, मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा, चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं, मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता। और जैसे ही मैं ये करता हूं उसके बाद बहुत मजा आता है, आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं, जैसे ही मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, जब मैं करीबन आई थिंक 18 साल का था और मैंने नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था, तो हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन चल रहा था, और वहां पर मैं अपनी मदर के साथ और फादर के साथ में खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। इतनी देर में एक सामने से आंटी आई और आकर के बोली, संदीप। हाँ जी आंटी। बेटे क्या नया चक्कर चल रहा है तेरा आजकल? मैं डर गया, मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा इनको कैसे पता लगा मेरे नए अफेयर के बारे में, कहीं और ही चला गया। फिर मैंने उनको देखा और डरते डरते उनसे मैंने कहा कि भाई आंटी जी क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, कौन सा चक्कर, क्या क्या कौन सा? तो आंटी ने बोला, कहते क्यों, तू ये फोटोग्राफी नहीं कर रहा आजकल, ये फोटोग्राफी का कोर्स नहीं किया तूने?
तो उन्होंने बोला मेरी थोड़ी सी जान में जाना है. मैंने कहा अच्छा, फोटोग्राफी की बात हो रही थी. फिर उन्होंने बोला बेटा अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ. मैंने कहा नहीं नहीं आंटी बोलिए ना. बेटे मेरी अगर तू माने ना तो ये जो तू फोटोग्राफी वोटोग्राफी के चक्करों में पढ़ा है ना, ये सब बेकार की चीज़ है. इससे अच्छा ये है कि तू कोई और ढंग का काम कर ले, कि अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे. मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था. मैंने कहा क्यों आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज़ क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक. मैंने फिर सुना, फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया. मैंने उनसे पूछा लेकिन आंटी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा. सीधा सा क्वेश्चन है यार. वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला उस दिन मेरा कम से कम 10 किलो खून बढ़ गया होगा हंसते हंसते. उन्होंने गुस्से से मेरे से पूछा, कहते तेरे कितने परसेंट आए थे 12th में? मतलब फोटोग्राफी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन उनका ये सवाल था कितने परसेंट आए थे तेरे 12th में. मैंने कहा जी 85% आए थे. फिर उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिया, मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मेरे से बड़ा बेवकूफ इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और बोली उसके 92% आए थे. अब बोल. मैं कहा अब क्या बोलूं, अब बोलने को आपने छोड़ा क्या है? क्या कोई है जो ऐसी बातों को सीरियसली ले सकता है? नो. यस और नो? नो, ले ही नहीं सकते. अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है. मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं. तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जाकर के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता हूं, और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं. क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं. क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि हम चलना बंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है. वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता. वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता. आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है. बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है. क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है. मतलब सिंपल है, ना हमें चुप रहना है ना किसी से लड़ना है, सिर्फ सवाल करना है क्यों, और फिर देखो उनके कैसे पत्ते खुलते हैं, फिर मजा आएगा. और जिस दिन आप लोगों को भी मेरी तरह ये बात समझ आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर ऐसी बातों का असर होना बंद हो जाएगा. मतलब कि उस दिन ये जो पहली दीवार है जिसकी मैंने बात करी थी वो अपने आप ही टूट जाएगी. उसके बाद इस पूरी दुनिया में किसी में दम नहीं होगा कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, सिवाय एक इंसान के. कोई बताएगा कौन है वो? आप खुद. एग्जैक्टली, आप खुद. और यही है वो दूसरी दीवार, यही है वो दूसरी दीवार जो पहली वाली से कई गुना बड़ी है.
कई गुना बड़ी है। आज से बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था मेरी लाइफ पे। ये कहानी है एक ऑफिस की और उसके एम्प्लॉयज की। एक बार एक ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज सुबह सुबह जब ऑफिस आते हैं अपने अपने कैबिन में, तो उनकी डेस्क के ऊपर एक लेटर पड़ा होता है, एक लेटर रखा हुआ होता है, और उस लेटर में लिखा था कि वो इंसान इस कंपनी का, वो एम्प्लॉय जिसकी वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी या जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया है। और अब अगर आप आखिरी बार उस एम्प्लॉय की शक्ल देखना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, यहां पर अगले एक घंटे में पहुंचाइए। जैसे ही उस एड्रेस पे गए तो वहां पर एक कॉफिन पड़ा हुआ था। कॉफिन होता है, उसको जब लोगों ने दूर से देखा तो एक तरफ तो सबको दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरी तरफ से उनको थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा है, मेरी रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था वो हट गया। लेकिन फिर एक एक करके जैसे ही वो लोग उस कॉफिन के पास गए और जा करके उन्होंने उस एम्प्लॉय की शक्ल देखी उस कॉफिन के अंदर, तो उन्हें खुद पे शर्म आने लगी, क्योंकि उस कॉफिन में कोई नहीं था, सिर्फ एक शीशा था, एक मिरर था जिसमें उनकी खुद की शक्ल दिख रही थी। हम सब भी तो यही करते हैं अपनी लाइफ में कि सारा ब्लेम उठा करके किसी सिचुएशन पे डाल दिया, किसी और इंसान पे डाल दिया, सब जगह डाल दिया सिवाय एक इंसान के, खुद पे। यहां पर कितने लोग इस बात को मानते हैं जो मैंने अभी अभी कही कि आपके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर और कोई नहीं, आप खुद ही हो। कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। लेकिन एक चीज और है यहां पर बहुत मजेदार, कि कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो जान करके अपने रास्ते का पत्थर क्यों बनेगा, अपना ही नुकसान क्यों करेगा, अपना ही दुश्मन क्यों बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं यहां पर थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि यार प्लीज मेरी खातिर 5 मिनट के लिए आ करके इस आग में जल जाओ, 5 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, कितने लोग तैयार हैं यहां पर आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हाँ, जो एक दो लोग हाथ ऊपर उठा रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि मैं भुट्टा सेकने की बात कर रहा हूं। भाई साहब, आपको सेकने की बात हो रही है उस आग से। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो, वो जानबूझ करके अपना नुकसान कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो ये सवाल मेरे को पिछले कई महीनों से तंग कर रहा था, अंदर ही अंदर खा रहा था कि क्या फर्क होता है उन लोगों में जो जाने अनजाने अपने खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और उनमें जो जाने अनजाने खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और फाइनली पिछले महीने मेरे को जवाब मिल गया, सब कुछ समझ आ गया कि क्या फर्क है। मैं रोज की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था और एकदम से ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी एकदम तेज। तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था, लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि ज्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाकर के दो लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज हो रही है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक वहां पे अंकल जी थे, पीछे वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है, वो लड़का इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपए का, तो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूंक मार रहा है और ये सब चीज़ें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ, उसका भी एक हाथ ऐसे था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था, और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी, मैंने देखा वहां से, ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदें गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही।
इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही। तो जैसे ही वो शेड के पास आए मैं थोड़ा सा साइड हो गया, तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी, इधर मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दूं, भाई ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा, उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही, कभी पानी भर रही अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी रोज होगी रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती। इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं, क्या फर्क है उन दोनों लोगों में। देखो बहुत सिंपल है, जब बारिश होती है आसमान से हम सबके ऊपर होती है, क्या एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो गरीब हो काले हो गोरे हो बच्चे हो बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और एक सेकंड के एक करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, यही फर्क। जिनका ऐसे होता है वो बारिश उन पर होती तो है लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है वो उसको पी लेते हैं, उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद में जो काम करती है वो एनर्जी करती है, नाम इंसान का हो जाता है। नाम हो जाता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे कौन कर रहा है? वही एनर्जी पीछे से काम कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें से 99% फंक्शन से ज्यादा ऐसे हैं, डाइजेशन से लेकर के ब्रीदिंग से लेकर के ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं करते, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, 1% चीजें हम कंट्रोल करते हैं और 100% क्रेडिट ले जाते हैं। और अब मजे की बात पता है क्या है, सबसे मजेदार बात, कि यहां पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हम सबको पता है कि अगर हमारे हाथ अभी ऐसे हैं तो ऐसे कैसे लाने हैं, क्योंकि बचपन में हम सबके बाय डिफॉल्ट हाथ ऐसे ही थे सबके। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के यहां चले गए, कुछ के यहीं रह गए। जिनके यहां रह गए उनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, जिनके यहां चले गए उनको हम फेलियर्स बोलते हैं, अलग अलग फील्ड्स में। तो कोई बताएगा कि ऐसा क्या था जो बचपन में हम एक दिन में हजारों बार करते थे और अब हजारों दिनों में एक बार भी नहीं करते? याद करो वो बच्ची क्या कर रही थी उस पार्क में, बार 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 क्या कर रही थी? एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रही थी, मतलब के सवाल कर रही थी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। सवाल, ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों करते हैं? बताओ ना पापा हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई जवाब नहीं मिला, हमने सवाल पूछने बंद कर दिए। आज हमारे पास में टाइम ही नहीं है,
कि एक दिन में कुछ सेकंड्स के लिए रुक करके हम अपने आप से पूछें कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं, पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस तरफ। और जब तक उस तरफ ध्यान नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और सिर्फ उस पर विश्वास मत करो जो मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री को उठा करके देख लो, कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसमें और बाकी लोगों में क्या फर्क था? क्या वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट था? क्या उनके पास दूसरों से ज्यादा जवाब होते हैं? यस और नो? नो, उनके पास में दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल होते हैं। हर चीज में एक ही सवाल कि अगर ये दुनिया ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्यों मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता? अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? हर चीज में एक ही सवाल। और दूसरी तरफ किसी फेलियर के पास चले जाओ, उनके पास आपको सिर्फ जवाब मिलेंगे, सवाल एक भी नहीं, सिर्फ एक्सक्यूजेस मिलेंगे, सिर्फ बहाने मिलेंगे, बस। सवाल पूछ ही नहीं रहे तो जवाब मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास में इस क्यों का बिल्कुल क्लियर जवाब है तो उस काम को आप पूरे विश्वास के साथ कर रहे हो, और अगर इस क्यों का जवाब ही नहीं है तो आप सिर्फ उस काम को अंधविश्वास पे कर रहे हो जो आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूं। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि घर में कोई बड़ा सा फंक्शन चल रहा हो, जैसे किसी की शादी हो रही हो और वहां पे कोई रिलेटिव बीमार हो गया? हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या होता है, जैसे ही एक किसी की तबीयत खराब होती है तो बाकी लोग क्या करते हैं? डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं आकर के। सो मेरी फैमिली में भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरी एक कजिन सिस्टर की शादी थी और मेरे एक अंकल आए हुए थे अब्रॉड से, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार हो गया, और जैसे ही एक एक करके सब लोगों को पता लगा तो सब लोग आए और आ करके अपने अपने आइडियाज देने लगे। एक आंटी जी आई काढ़ा बना करके, अपना अदरक का, तुलसी का, शहद का, वो काढ़ा बना करके, बेटा ये पी लो, दो घंटे में ठीक हो जाओगे, बुखार अभी उतर जाएगा, बहुत पुराना नुस्खा है। उसके बाद में एक अंकल आए, बड़े फनी, वो आ करके उन्होंने ऐसे उनके सर पे हाथ रखा, गर्म हो रहे हैं फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं है, इनको ठंडी बर्फ की पट्टियां कर दो, अभी सारा बुखार उतर जाएगा। ऐसे सब तरह तरह के लोग आ रहे थे, तरह तरह के, और अपने अपने आइडियाज दे रहे थे। सबको पूरा विश्वास था कि ये करने से वो ठीक हो जाएंगे, उनका बुखार उतर जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अगले दिन सुबह उनका बुखार कम होने की बजाय और बढ़ गया, तेज हो गया। और अब ऐसे में बड़ा मजा आता है कि जो लोग जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे ना अपने नुस्खे को लेकर के, वो उतना ही पीछे हट गए। उनका जवाब था कि भाई मैं तो कल ही कह रही थी कि डॉक्टर को बुला लो, किसी ने मेरी सुनी नहीं। डॉक्टर आया, वहां पे आकर के उसने पूरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट बताए, शाम तक रिपोर्ट्स आई और पता लगा कि उनको मलेरिया था। डॉक्टर को जैसे ही पता लगा उसने कुछ दवाई दी और अगले कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो क्या फर्क था डॉक्टर में और बाकी लोगों में? डॉक्टर ने कुछ भी करने से पहले, मतलब कि अपना इलाज शुरू करने से पहले, कोई भी नुस्खा बताने से पहले ये पता लगाया कि उनको बुखार क्यों हुआ, और बाकी किसी ने यह पता लगाना जरूरी ही नहीं समझा कि उनको बुखार हुआ क्यों। डॉक्टर को पता था कि उस बीमारी का कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसका उसकी वजह क्या है, और इस वजह से उसको पूरा विश्वास था कि मैं ये दवाई दूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। बाकी सब जो कह रहे थे कि हमको विश्वास है, उनको सिर्फ अंधविश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे, वो विश्वास नहीं था। इन दोनों के बीच में ना इतना एक बिल्कुल पतली सी लाइन का फर्क होता है, विश्वास में और अंधविश्वास में, जिस वजह से बहुत बार हम अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे देते हैं। और इसका आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है यहां पे, कितने लोगों ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? ऑलमोस्ट सबने सुना है। अब यह बहुत मजेदार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन
मुझे बहुत लोग मिल चुके हैं, मतलब काफी लोग मिले हैं जो आकर के मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता। तो मेरा सिंपल सा जवाब होता है कि अगर आप मेरा जवाब चाहते हो तो जवाब है हाँ, कि ये काम करता है। साइंटिफिकली जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और स्पिरिचुअली जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि कुछ लोग अपनी बुक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू इसके बारे में बता रहे हैं, वैसे नहीं। आप में से कितने लोगों ने वीडियो देखी है? बहुत सारे लोगों ने देखी है, तो आप शायद समझ जाएंगे। बाकी लोगों के लिए मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता हूँ अपना, वो थोड़ा फिरंगी स्टाइल में, वो जो डबिंग करके बोलते हैं ना, ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है। ऐसा लगता है किसी चमत्कारी बाबा की बात हो रही है, जो आशीर्वाद रखेंगे और काम हो जाएगा एक सेकंड में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुनने में, ये बिल्कुल एक अलादीन के चिराग जैसा है। आपको सिर्फ हुक्म देना है कि आप क्या चाहते हैं। आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सिर्फ बताना है कि आपको क्या चाहिए, फिर देखिए क्या होगा। ये प्रकृति आपके सुर से सुर मिलाएगी, ताल से ताल मिलाएगी। और इसके बाद बड़ा मजा आता है, एक बंदा आता है वहां पे उस वीडियो में, वो आकर के कहता है, अच्छा इतना आसान है, तो मैं 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाना चाहता हूं। 3 लड़कियों के साथ। और उसको बोलते हैं, उसको जवाब मिलता है उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोगों से, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक पेंटिंग बनानी है। अपनी एक पेंटिंग बनाइए जिसमें आप बैठे हैं और साथ में 3 लड़कियां बैठी है, और फिर देखिए क्या होता है। और वो बंदा पेंटिंग बनाता है। उसके कुछ दिन बाद किसी चमत्कार की वजह से वो लड़का एक पार्क में बैठा होता है, उसके आसपास में 3 लड़कियां बैठी होती हैं, और उसमें से एक लड़की उसको अंगूर खिला रही होती है। भाई क्या है ये, क्या है ये, अगर मजाक नहीं है तो। आप में से कितने लोगों ने ये ट्राई किया? मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, 3 लड़कियों के साथ डेट पे जाने की बात नहीं कर रहा। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं उस बुक में, उस वीडियोज में। एक सबसे फनी एग्जाम्पल जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, आई एम श्योर यहाँ पे भी बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, कार पार्किंग का। उसमें एक आदमी बोलता है, मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो गाड़ी की जो पार्किंग है वो मेरे लिए खाली पड़ी होगी, और मैं जैसे ही जाता हूँ वो पार्किंग मेरे लिए खाली पड़ी होती है, और मैं जा करके अपनी गाड़ी लगा देता हूँ। क्या कमाल है यार। देखो कई बार मुझे 1-2 मिनट वेट भी करना पड़ता है, लेकिन फिर वो जगह अपने आप मेरे लिए खाली हो जाती है। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ सोचता हूं, वो जगह मेरे लिए खाली। कमाल है यार। हाँ बढ़िया लग रहा है ना सुनने में, अच्छा लगता है। ये सारी बातें सबको अच्छी लगती है, किसको नहीं लगेंगी? सच बताओ, मुझे भी अच्छी लगेंगी सुनने में, बुरी किसको लगेगी? कि सोचना शुरू कर दो और गाड़ियों की पार्किंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आई एम श्योर बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा। कितने लोगों ने ट्राई किया है? आपके हिसाब से काम करता है ये? अच्छा एक सवाल है, हमेशा करता है या कभी कभी करता है? कभी कभी करता है। लेकिन फिर वो एक लॉ कैसे हुआ? लॉ उसे कहते हैं जो एक ही कंडीशन में अगर सेम कॉज हो तो उसका सेम इफेक्ट आना चाहिए, उसको लॉ कहते हैं। सिंपल है भाई, अगर कंडीशन सेम है, आप एक ही जमीन पे 2 बीज बोओगे आम के, तो दोनों आम के पेड़ ही बनेंगे, एक एप्पल का पेड़ नहीं बन सकता। सीधा सा फंडा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं एक बहुत बड़ा यहां पर एक कमिटमेंट करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा चैलेंज करने वाला हूं इन वीडियोस के अंदर। मेरा ओपन चैलेंज है उन लोगों को जिन्होंने ये बुक लिखी है और जिन्होंने ये वीडियोस बनाई है, क्योंकि उनसे ज्यादा कौन जानता है इस लॉ के बारे में। वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, वो समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरा ओपन चैलेंज है कि हम एक शर्त लगाते हैं, इस दुनिया में कहीं पर भी एक पार्किंग लॉट चूज करेंगे जो थोड़ा सा बिजी रहता हो, और वहां पर वो एक स्पॉट आइडेंटिफाई करेंगे, पार्किंग का स्पॉट, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी पावर लगाएंगे। लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? सोचना ही तो है। सोचते रहेंगे, फील करते रहेंगे, मेरे को ये जगह मिलेगी, 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 करो। जिस दिन उनको वो जगह मिल गई, मेरा एक कमिटमेंट है और मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूं, उनको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, और जिस दिन नहीं मिली उन्हें मुझे सिर्फ 10,000 रुपए देने हैं। सिर्फ 10,000, मतलब 1 का 10। कुछ लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया, अरे ये बढ़िया यार, मैं जा रहा हूं,
मैं आ रहा हूँ इस चैलेंज के लिए. कितने लोगों को लगता है कि वो आएंगे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? कितने लोगों को लगता है नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे, वो आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें भी पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है. वो सब अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं क्योंकि मैं जिस लॉ के बेसिस पे बात कर रहा हूं, मैं कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेस पे, जिसके बेस पे दुनिया के सारे कैसीनोस चल रहे हैं. एक बिजी पार्किंग है 100 गाड़ियों की, उनको उस स्पॉट पे पार्किंग मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:100 एग्जैक्टली, 1%. उनको नहीं मिलने की क्या है? 99:100. मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज है, जरूरी नहीं है जो बातें सुनने में अच्छी लग रही है वो एक्चुअल में अच्छी हो. भैया किसी ने बैंक लोन लिया हुआ है? किसी ने कोई बैंक लोन लिया हुआ है? हाँ, तो जो आपने बैंक लोन लिया हुआ है, आपकी मंथली ईएमआई जाती होंगी बैंक को, इंस्टॉलमेंट जाती होंगी, जाती हैं. तो अब मैं आपको दो ऑप्शंस देने वाला हूं, दो ऑप्शंस. आप बताना आपको सुनने में कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है. पहला ऑप्शन कि आप जो काम कर रहे हो उसको पूरा दिल से करो, दिन रात करो, खूब काम करके जो आप पैसा कमाते हो उससे वो इंस्टॉलमेंट्स पे कर दो. दूसरा ऑप्शन है कि आपको ये सोचना है कि बैंक अपना जो लोन है वो माफ कर देगा और अपना पैसा वापस मांगना बंद कर देगा और रातों रात कहीं से आपके कोई दूर के अंकल आपको 25,000 रुपए महीने के चेक भेजना शुरू कर देंगे. कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, पहला या दूसरा? दूसरा. यही वजह है, इसी वजह से ये सब हो रहा है. वो जो झूठ बोल रहे हैं ना, उनकी कोई गलती नहीं है, वो ही बोल रहे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं और वो नहीं जो सच है, क्योंकि सच बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं. इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं. और मैं इस सेशन का आपको एक फाइनल एग्जांपल देने वाला हूं, जिसके बाद में अभी आपके मन में जितने भी डाउट चल रहे होंगे ना, वो सारे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे. ये एग्जांपल है दो लड़कों का, दो लड़कों का जिनकी एज है 18 साल, और दोनों का एक ही डिजायर है कि मेरे को एक BMW गाड़ी चाहिए, दोनों का यही है, और अगले 10 साल के अंदर अंदर चाहिए. बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग है. जो पहला लड़का है उसने क्या किया, अपना एक गोल सेट किया, उसने एक अपनी डायरी में लिख दिया, पोस्टर्स ला करके उस गाड़ी के अपने घर में लगा दिए जगह जगह पर, 24 घंटे उस गाड़ी के बारे में सोचने लग गया कि ये गाड़ी मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, रोज रात को बैठ करके फील करता कि मेरे को गाड़ी मिल गई है, आवाजें निकालता जू 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 ये वो, और करते करते ब्रेक मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक्चुअल में नहीं मिली है, इमेजिन कर रहा है, फील करने की कोशिश कर रहा है, उस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया गया है. यस और नो? अब इसको करने से क्या हो रहा था, पहले उसकी सिर्फ एक विश थी, एक चाह थी कि हाँ मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, नहीं भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसका वो बर्निंग डिजायर बन गया, अब उसको गाड़ी हर हालत में चाहिए ही चाहिए अगले 10 साल में. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो, आप में से कितने लोगों ने मेरा इल्यूजन टू रियलिटी वाला सेशन देखा है? आप सोच रहे हो यार आपने इल्यूजन टू रियलिटी में भी तो यही बात करी है, और आप खुद ही उसके अगेंस्ट बोल रहे हो. लग रहा है कुछ लोगों को, लग रहा है ऐसा लग रहा है? देखो मैंने क्या कहा था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक पतली सी लाइन का फर्क होता है, इधर कुछ और इधर कुछ और. अगर आप ध्यान से मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे, आज तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको देखोगे, तो मैंने किस चीज के बारे में बात करी है? किसी चीज को हासिल करने के बारे में, गाड़ियों के बारे में, पैसे के बारे में, बंगले के बारे में, या किसी काम पे फोकस करने के बारे में? काम पे फोकस करने के बारे में, चीज के बारे में नहीं. मतलब इस टेक्निक में कोई कमी नहीं है, इस टेक्निक को यूज जो लोग कर रहे हैं 90% वो गलत तरीके से कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. अब दूसरे लड़के की बात करते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क था. दूसरा जो लड़का था उसका भी डिजायर था कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, बस एक छोटा सा फर्क था, उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से, उसने एक सवाल पूछ लिया अपने आप से कि मुझे ये गाड़ी क्यों चाहिए, क्यों चाहिए. अब ये काम ना बड़ा बोरिंग लगता है सुनने में, कि यार क्यों चाहिए, ये सोचने की क्या जरूरत है, सीधा गाड़ी लो ना, शॉर्टकट फटाफट. लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने गलती नहीं करी, उसने पूछ लिया. और जब हम सवाल पूछते हैं तो क्या होता है,
जवाब मिलता है, जवाब मिलता है, और उसको मिल गया। जवाब ये था कि मैं ये गाड़ी इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। तो उसको जवाब मिल गया कि मैं ये इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता हूं। फिर उसने दोबारा सवाल किया कि क्यों, मैं क्यों अपने आसपास वालों को, इस पूरी दुनिया को ये प्रूव करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं? और फिर उसको एक जवाब मिला, क्योंकि मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब यही कर रहे हैं। उसने एक आखिरी सवाल पूछा और जब उसका जवाब मिला ना तो वो हिल गया, उसके सारे फंडे क्लियर हो गए। वो सवाल था कि सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उसको उसको जवाब मिला, सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब ऐसा ही कर रहे हैं। बस उसको समझ आ गया कि एक रेस लगी हुई है जहां पर सब भाग रहे हैं, कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भाग रहा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो भाग क्यों रहे हैं। और जैसे ही उसको ये समझ आया, उसको ये जवाब मिला, तो उसको ये तो नहीं पता था कि मैं अब क्या करने वाला हूं, लेकिन उसको ये समझ आ गया कि मुझे क्या नहीं करना। उसने डिसाइड कर लिया उसी टाइम, उसी मोमेंट में ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं बनना इस रैट रेस का हिस्सा, मुझे नहीं प्रूव करना किसी को कुछ भी, मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी, अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहता है, जो मेरे अंदर की आवाज है। बाढ़ में गई दुनिया। और जैसे ही उसको ये अंदर से उसकी आवाज आई कि मुझे ये चीज करनी है, तो वो जवाब उसके अंदर से ही निकल करके आ गया। और उसको जवाब मिला कि 3 साल पहले वो सबसे ज्यादा क्लोज इस पूरी दुनिया में अपने फादर के था, अपने पापा के, और दोनों का रिलेशन एक बाप बेटे का कम और एक दोस्त का ज्यादा था। उसके पापा की एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट की दुकान थी दिल्ली में, और वो क्या करते थे, छोटे छोटे गांव में जाते और जा करके वहां के कारीगरों से कुछ सामान लेकर के आते और अपनी दुकान में बेचते, ये उनका काम था। एक बार वो एक गांव में जा रहे थे तो उनका बेटा भी उनके साथ चला गया, ये लड़का उनके साथ चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियां चल रही थी। और दोनों उस गांव में एक ढाबे पे बैठ करके, शाम का टाइम था, खाना खा रहे थे। खाते खाते एकदम से उसके फादर के यहां पे दर्द उठा, लेफ्ट साइड में दर्द होना शुरू हो गया, और उस लड़के ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, फटाफट से अपने फादर को लेकर के एक पास के हॉस्पिटल में चला गया। वहां जाकर के जो डॉक्टर्स थे उस गांव के हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि आप इनको जल्दी से जल्दी किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, टाइम नहीं है। लेकिन वो बड़ा हॉस्पिटल उस गांव से 3 घंटे की दूरी पर था, और जब वो वहां पहुंचा और उसको, उसके फादर को इमरजेंसी वार्ड में लेकर के गए, तब तक सब ठीक था। लेकिन उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर्स आए और आकर के उन्होंने बोला, वी आर सॉरी, अगर आप 15 मिनट पहले आ जाते तो हम कुछ कर सकते थे, 15 मिनट पहले। अब जैसे ही इस लड़के के साथ ये हुआ था तो बिल्कुल सुन्न हो गया था, मुंह से एक वर्ड बाहर नहीं आ रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं, उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, एकदम से हो गया, एकदम से हो गया। और उसके काफी देर बाद जाकर के, उसके 5-10 मिनट बाद जाकर के उसके अंदर से एक चीख निकली थी, एक अजीब सी बात निकली थी जो उसको उस टाइम पे नहीं समझ आई थी कि ये बड़े डॉक्टर्स बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में ही क्यों होते हैं, छोटे छोटे गांव में क्यों नहीं होते। उस टाइम उसको नहीं समझ आया, आज समझ आ गया। उसको समझ आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था जिससे कि मैं एक डॉक्टर बनूं और जाकर के छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में काम करूं, ना कि एक गाड़ी खरीदूं। और इस एक सवाल ने, एक वर्ड के सवाल ने, क्यों ने, उसकी पूरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। जहां एक तरफ उससे एक दिन में 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं होती थी, अब वो दिन में 12-12 घंटे पढ़ने लगा। उसके कुछ साल बाद वो एक हार्ट सर्जन बन गया और जा करके कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स को असिस्ट करने के बाद में छोटे छोटे गांव में चला गया। ये थी उस दूसरे लड़के की कहानी। दस साल हो गए हैं, तब दोनों 18 साल के थे, आज दोनों 28 साल के हो चुके हैं, लेकिन क्या दोनों की लाइफ में थोड़ा बहुत फर्क होगा?
एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या फर्क होगा। जो पहला लड़का था उसने इस लॉ को पूरे विश्वास के साथ प्रैक्टिस किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरे विश्वास के साथ कि ये काम करता है, करेगा करेगा, इतने लोग बोल रहे हैं गलत थोड़ी होंगे, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये काम करता है, उसने किया। लेकिन फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है ना, उसको नहीं मिला, उसको वो गाड़ी नहीं मिली, क्या होगा उसके साथ में, क्या होगा? खुश रहेगा? टूट जाएगा, पागल हो जाएगा, बिखर जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। ये है एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि उसको BMW गाड़ी नहीं मिली लेकिन होंडा सिटी मिल गई, अब क्या होगा? खुश रहेगा? रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये गोल सेटिंग करके और ये सब करके उसने अपने डिजायर को बढ़ा लिया, अपने अंधविश्वास को इतना बढ़ा लिया कि अब उसको वो ही गाड़ी चाहिए और किसी गाड़ी से उसका काम ही नहीं चलने वाला। जबकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो एक 28 साल के लड़के के लिए जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अपने पैसों की होंडा सिटी गाड़ी खरीदना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अब तीसरी सिचुएशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो 10 साल में एक चमत्कार हुआ, उसने कई तरह के काम करे और उसको BMW गाड़ी मिल गई, अब क्या होगा? खुश रहेगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा अपनी लाइफ से, बैठ जाएगा आराम से, हाँ मिल गई, यही तो चाहिए था, मिल गया, हो गया काम, लाइफ बढ़िया हो जाएगी उसकी, उसका लालच और बढ़ जाएगा, उसका अंधविश्वास और बढ़ जाएगा, वो कहेगा कि अगर इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके मुझे 10 साल में ये गाड़ी मिल सकती है तो अगले 5 साल में एक इतना बड़ा घर क्यों नहीं मिल सकता? यस और नो? मतलब कि उसको सब कुछ मिल चुका होगा लेकिन वो उसको छोड़ करके फ्यूचर के अंदर किसी और चीज को पकड़ लेगा। सब कुछ होने के बाद भी वो फ्यूचर में जिएगा और उसकी हालत बिल्कुल एक ऐसे खरगोश के जैसी हो जाएगी जिसके सर के सामने किसी ने डंडा लगा करके गाजर को टांग दिया। इमेजिन करो कैसा होगा वो खरगोश, जो उस गाजर को देख तो सकता है, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने है, उसको खाने के लिए भाग भी सकता है लेकिन कभी खा नहीं सकता, मरते दम तक सिर्फ भाग सकता है, खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो खुशी है उस काम में नहीं है जो वो काम कर रहा है, किसी चीज में है, बाहर है, उसके अंदर नहीं है। अब देखते हैं दूसरे लड़के को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस दूसरे लड़के का क्या होगा। 10 साल हो गए वो छोटे छोटे गांव में जा करके अपना काम कर रहा है, और पहली सिचुएशन उसको गाड़ी नहीं मिली, BMW गाड़ी उसको चाहिए थी 10 साल पहले लेकिन आज नहीं मिली, तो क्या होगा? क्या होगा? खुश रहेगा? उसकी खुशी किसी गाड़ी में नहीं है, किसी चीज में नहीं है, उसके काम में है, कल जो मिलने वाला है उसमें नहीं है, आज जो वो कर रहा है उसमें है। दूसरी सिचुएशन उसको BMW नहीं मिली, होंडा सिटी मिल गई, तो क्या होगा? तो भी खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा, एब्सोल्यूटली, क्योंकि उसने मांगी नहीं थी, फिर उसको मिल गई, बहुत खुश रहेगा। उसको BMW मिल गई तो क्या होगा? खुश रहेगा, लेकिन इस वजह से नहीं कि उसको ये गाड़ी मिल गई, इस वजह से क्योंकि वो जो काम कर रहा है उसमें उसको खुशी मिल रही है। और एक सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है यहां पर इन दोनों के अंदर? सबसे बड़ा फर्क अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो दूसरा लड़का है अगर इसको गाड़ी मिल गई जो डॉक्टर है और छिन गई एक साल बाद, तो क्या होगा? तब भी खुश रहेगा। लेकिन जो पहला है उसका क्या होगा? अरे वो सिर्फ डर में जिएगा, वो सिर्फ डर में जिएगा, जो है उसको खोने का डर, जो मैं चाहता हूं उसके ना मिलने का डर, 24 घंटे सिर्फ डर। डर ही डर, सब कुछ होगा उसके पास पहले, फिर भी अंदर से डरा हुआ होगा, यार कोई मेरी ये गाड़ी ले ना ले, अरे कोई इस पे स्क्रैच ना मार दे। स्क्रैच के पीछे मैं सुन रहा हूं आजकल मर्डर्स हो रहे हैं कि तूने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच कैसे मार दिया, ले धाड़ खत्म। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसकी जड़ क्या है? यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, यही है। अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है उसको एक लाइन में अगर इन दो के बीच का फर्क आपको बताऊं तो वो ये है, पहला आदमी बोल रहा है
कि इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, और दूसरा बोल रहा है इस काम को करने के लिए ये जो मैं अभी कर रहा हूं मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। एक ही जिंदगी का मकसद है, तो पहला है पाना, हासिल करना, उस चीज पे कब्जा करना किसी भी तरीके से, बस वो चीज मेरे हाथ में आ जाए, फिर चाहे इसके लिए उसको धर्म के रास्ते पे चलना पड़े या अधर्म के, वो चलेगा, उसको सही काम करना पड़े या गलत करना पड़े वो करेगा। लेकिन दूसरा, उसके लिए अपने अंदर की आवाज को सुन करके, अपने अंदर की मतलब कि अपने दिल की आवाज को सुन करके किया गया कर्म ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। बस यही एक मकसद है उसकी जिंदगी का, अंदर की आवाज को सुनते जाओ चलते जाओ, सुनते जाओ चलते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और इस गलतफहमी में मत रहना कि जो पहला है उसको दूसरे से ज्यादा मिलेगा, ये सोचना भी मत। जो पहला है ना उसको चाहे कितना भी मिल जाए, कितनी भी चीजें मिल जाए, कितना भी कुछ हो उसके पास में, लेकिन उसमें और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का सिर्फ एक काम है, मांगना, मांगना। तो अगर उसको मिला भी, पहले वाले को अगर मिला भी तो बस इतना ही मिलेगा जितना वो मांग सकता है या जहां तक वो सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जो दूसरा है उसको जिस दिन मिलना शुरू होगा ना, बिना कुछ मांगे, बिना मांगे, वो इतना होगा, इतना होगा जितना वो खुद तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। और इसका जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। और जिस दिन आपने भी मेरी तरह इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, आपके आस पास में जो आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चला जाए, चला जाए, चला जाए, ये जाए वो जाए, कुछ भी जाए, कोई डर नहीं है। और ये डर नाम की दीमक है ना, जो लोगों की आंखों में दिखती है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर रही है, वो आपके अंदर जाना तो दूर आपको छू भी नहीं पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। ना जीने का लालच, ना मरने का डर। जो करोगे यहां से करोगे, और फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या एक लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। क्योंकि उस दिन आप पर खुद उसका हाथ होगा। और फिर अगर आप चाहोगे भी ना, चाहोगे तो भी अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे, यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी अनस्टॉपेबल।